वड़ा पाव हो गया रेडी। ये है अपना वड़ा पाव, मतलब काफी यूनिक तरीके से बनाया है भैया। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, आपका स्वागत है मेरे आज के न्यू व्लॉग में। तो फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं पदम प्राइड से, तो आज धूप बिल्कुल नहीं है बिकॉज आज बादल हो रहा है। धूप तो नहीं बट गर्माहट बहुत है, अच्छी खासी गर्माहट है, गर्म हवा चल रही है, लू लपट। मैं तो कह रहा हूँ भैया बारिश पड़ जाए, भगवान की इच्छा से, किसी की इच्छा से तो पड़ जाए, पड़ जाए राहत मिलेगी, चैन की राहत मज़ेदार वाली। भाई जब दिन में अच्छी मतलब इतनी अच्छी खासी नींद आती है ना, कि बेस्ट का टाइम आता है ना, वैसे अब नींद खराब करने करती, मन इरिटेट हो जाता है। और क्या करें, काम करना भी ज़रूरी है, इरिटेट करने का मतलब ही नहीं ना, कोई काम तो करना ज़रूरी है। तो अपना दुबई की क्लास थी, तो ये फिनिश, आपको टाइम दिखाता हूँ, तो नहीं कहोगी यूट्यूब रहता है इसी पर। एक सेकेंड इसलिए देखो अभी 3:15 बज रहा है। हाँ, तो अपनी क्लास हो गई फिनिश, अब निकल रहे हैं अपन घर। घर का 4 बजे से कंटिन्यू फिर क्लास है अपनी, रात के 10 बजे तक चलती है। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं यार, गर्मी ज़्यादा हो रही है, कुछ ठंडा पीते हैं, बाहर मिल जाए कुछ अच्छा ठंडा, तो ठंडा पीते हुए चलेंगे। तो आ चुके हैं पार्किंग लॉट में अपनी बाइक पर, तो निकलते हैं, लेट्स गो। तो है गाइस, फिलहाल अभी मैं हूँ जिम में। तो जब निकला था यहाँ से 2 बजे करके बैच, 3 बजे करी 3:15 बजे, उसके बाद घर जाके सीधे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर निकल लिया पेट्रोल वगैरह करा के। कुछ मिला नहीं ऐसा जो खास, जैसे कुछ ठंडा वगैरह, कोई गन्ने का जूस था या वो नॉर्मल ही था, कुछ ऐसा नहीं लगा कुछ मुझे। तो उसके बाद फिर लॉन्ड्री बैडमिंटन वगैरह खेलने गया, सॉरी बैडमिंटन खेलने गया। उसके बाद सोचा कोट की वीडियो बनाऊंगा, वो भी बनाना भूल गया, कोट पेंट कराया था, आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ 2 दिन से, भूल जाता हूँ। ये कल शायद पता है होगी नहीं होगी, और वो तो जरूर दिखाऊंगा, नहीं तो मेरे साथ अभी जब मैं जब मेरी ओवर उठ के करा के फ्री हूँ, अभी बाहर निकलते हैं, गार्ड से कुछ अच्छा मिल जाए, देखते खाते पीते कुछ ना कुछ बढ़िया चाहिए यार, भूख लगी, उसमें कचौड़ी खाई थी उसमें कुछ नहीं खाया। तो फिलहाल हम निकलते हैं, ये दोस्त है भाई सब अपनी डाइट ले रहे हैं, हिला हिला के सुपर प्रोटीन चेक कर लिया पूरा, और कार्ब्स यानी ब्रेड ले रहे हैं, पाजी अपना अंदर वर्कआउट करा रहे हैं। अपन निकलते हैं फिर 1 घंटे आज से वापस भी आना है यार। तो हे गाइस, अपन पहुंच गए कारगिल पेट्रोल पंप पे। तो वृंदा लास्ट टाइम आई थी ना, तो उसके बगल में ही है डेजर्ट स्नैक्स, तो इनका बड़ा पाव मैंने बहुत तारीफ सुनी है, काफ़ी अच्छा बनाते हैं, और इनका बनाने का तरीका ही अलग है, यूनिक है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, बड़ा पाव लिया, गरम करा तेला डाल दिया, उसके अंदर मसाला लगा, तैयार। लेकिन इनका अलग ही है। 1 साल से भैया यहाँ काम कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं बड़ा पाव। तो आज इनका टेस्ट करते हैं, इनके हाथ का बड़ा पाव कि कैसा बनता है, तो स्टार्ट करवाते हैं। तो गाइस, ये हो गया अपना बड़ा पाव बनना स्टार्ट, इसमें आ गया बटर, ये क्या है भैया, ये मसाला है बड़ा पाव का मसाला, मतलब ये बनता है या मतलब मार्केट से लेके आते हो? बनाते घर पे बनता है। तो इसमें क्या क्या डलता है मसाले में? चिली और कोकोनट पाउडर, गार्लिक डलता है, गार्लिक सिंग दाना मूंगफली, इन 3-4 चीज़ों को मिला के बनता है ये। हाँ, तो इसको अभी बटर में भून रहे हो? हाँ यार, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ऐसे बटर में मसाले को भूनते हुए, क्योंकि बड़ा पाव ऐसे नॉर्मल में देखा नहीं है बनते हुए कभी। अब ये इसमें लग गया, बढ़िया। उसमें गर्मा गर्म बड़ा निकल रहा है हैंड टू हैंड साइड में, तो बटर लग गया ऊपर से, जो घर का है या अमूल बटर है? ये अमूल बटर। उसमें हैंड टू हैंड टिक्की निकल रही है गर्मा गर्म, देख सकते हो गाइस आप। ये बड़ा गरम गरम बड़ा निकल चुका है, अभी जाएगा इसके अंदर। ये काय की चटनी है भैया? सिंगदाने की चटनी। क्या क्या बड़ा, क्या क्या मिर्ची? अच्छा, इससे पहले इसमें कौन सा मसाला डाला था आपने? नॉर्मल चाट मसाला। अच्छा, चाट मसाला नॉर्मल। गाइस, बस अपना वड़ा पाव हो गया रेडी। ये है अपना वड़ा पाव, मतलब काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया है भैया ने, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखा है मैंने ऐसे बनते हुए। तो जैसा बना है इसका स्वाद वैसा है कि नहीं, इसको टेस्ट करके ही पता चलेगा। तो गाइस, अपना बड़ा पाव बनकर रेडी हो चुका है, तो इसको आप ट्राई करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कितना अच्छा है। इसके पहले मिर्च बाहर निकाल दे रहे हैं, आई हेट मिर्च। काफ़ी बड़ा है भाई, नॉर्मली साइज देखते तो छोटा मिलता है,
ये काफ़ी बड़ा साइज है इसका। गाइस काफ़ी अच्छा टेस्ट है, ऐसे इन्होंने बटर से बटर में लगा के सीखा ना, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो गया इसका, और कच्चापन भी नहीं है, इन्हें सीखने से हल्का कच्चापन भी कम हो गया। बहुत टेस्टी भाई, बहुत अच्छा है। मेरा तो ये कहना है जो भी इस तरफ आता है बड़ा पाव जरूर ट्राई कीजिएगा, इधर का बहुत ही अच्छा है। तो गाइस बड़ा पाव खा के काफ़ी मज़ा आया, ये था मसाला बड़ा पाव। इधर और भी वेराइटी है आप देख सकते हो, बट असली तो वड़ा पाव मसाला वड़ा पाव ही होता है, बाकी तो कुछ भी लगा दो कुछ भी बन जाता है, बट ऑसम था टेस्ट में। तो फिलहाल अपना हो चुका है, तो इधर श्रीखंड भी मिलता है बट आज नहीं क्योंकि अभी बना हुआ रखा है, अपन कल चलेंगे मॉर्निंग में इधर जिधर ये बनता है श्रीखंड, उधर से स्टार्ट करेंगे भाई, देखेंगे श्रीखंड बनता कैसे हो, क्योंकि आगरा में मैंने तो अभी तक बनाया नहीं है व्लॉग श्रीखंड का, तो अब बनाएंगे जाके और टेस्ट भी कैसा होगा जाकर ही पता चलेगा। तो अभी तो फिलहाल हो चुका है, तो निकलते हैं सीधे क्लास के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं है, देख टाइम देखते चेक करते हैं। 8:10 हो गया, तो गाइस अभी 8:10 हो रहा है, तो निकलते फटाफट, 8:30 क्लास है। तो हे गाइस फाइनली अपनी हो चुकी डांस क्लास, स्पोर्ट्स क्लास, सारी क्लास फिनिश। तो अभी घर निकलने का टाइम हो गया, बस डायरेक्टली अपने यहाँ से घर निकलते हैं, तो इससे बाद में जाते हैं खाने, तो इससे पहले हम जा चुके थे, तो अब सीधे घर निकलते हैं। और आज तो हवा भी चल रही है, बहुत गर्माहट है, तो फाइनली आ चुके पार्किंग नेक्स्ट पे, तो लेट्स गो टू होम। हे गाइस फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूँ, तो यार गर्मी काफ़ी पड़ रही है, घर में भी काफ़ी गर्मी लग रही है, और हमारे घर नली नहीं है इसमें से पानी नहीं आया, तो गुजारा कर रहे हैं ऐसे कैसे करके पानी से, तो पीने का तो है बट हैंड वॉश वगैरह करने का पानी नहीं है, ख़त्म हो गया है। सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाता है, कोई चला लेंगे आ जाएगा, तो अभी डिनर टाइम हो गया, भूख लगी है। तो वहाँ से निकलते समय यार गाइस वहाँ से निकलते समय मैंने ये लिया है, ये खाकरा, जिधर से अपने बड़ा पाव खाए थे ना उधर से मिला है, और काफ़ी तरीके के अलग 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 कह सकते हैं डिज़ाइन तो कह नहीं सकते, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के थे। मैंने लिया है मसाला, सॉरी मसाला नहीं, मेथी वाला खाकर काफ़ी टेस्टी होता है, यही अच्छा होता है, और बाकी और भी वैरायटी थी वो मैंने देखी नहीं। तो आ गया, तो अभी आप खाना लेके आ चुके डिनर, डिनर दिखाते हैं डिनर में क्या बना हुआ है। तो गाइस आज का हमारी डिनर में बना हुआ है एक कड़ी और ये रोटी है, तो आज की डिनर में हमारी कड़ी और रोटी है खाली। तो आज के ब्लॉग यहीं एंड करते हैं यार, काफ़ी टायर्ड हो गई, काफ़ी टायर्डनेस हो गई बॉडी, मतलब गर्मी बहुत है, तो ऐसा लगता है जल्दी उठ सकती है। तो यार बस आज के ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अगर शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारा पाव के लिए सब्सक्राइब तो बनता है ना। मिलते हैं कल के ब्लॉग में से, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, द फिश।